चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसमें अब मैं एग्जांपल नंबर 6.7 कर रहा हूँ। तो एग्जांपल 6.7 पे तो मैं अलग से आऊंगा, पहले मैं आपको सेपरेटली पढ़ा देता हूँ। आप हेडिंग दे दीजिए वर्टिकल सर्कल, एक हमने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड ओमेगा लगातार कॉन्स्टेंट बनी रहती थी। अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल सर्कल, जिन्हें एक पत्थर को धागे से बांधा और उसको ऐसे वर्टिकल ग्रेविटी में घुमा रहे हैं। लिख दीजिए, अ मास टाइड टू अ थ्रेड इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्किल। अ मास टाइड टू अ थ्रेड इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्किल। जो वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं ना, तो इसकी स्पीड एक्चुअली कांस्टेंट नहीं रहती है। लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्किल इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्किल इज नॉट कांस्टेंट। अभी भी वही होता है कि जब पत्थर नीचे से ऊपर जाता है ना, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, और जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो जरूर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब उसकी हाइट बढ़ती है ना, जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना, इसे डैश करके लिख दीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब वो बॉटम से टॉप पे जाता है, तो इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इंक्रीजेस। So its potential energy increases. And consequently, its kinetic energy decreases. जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है वर्टिकल सर्किल में, तो उसकी हाइट बढ़ रही है, जमीन के ऊपर हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, उसकी स्पीड मिनिमम होगी। लिख दीजिए, एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड इज मिनिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है, एंड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम रहती है। तो स्पीड लगातार कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एक्चुअली इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख दीजिए, स्पीड कांस्टेंट थ्रू आउट नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये इस समय खैर ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वाली बात पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दें। थोड़ा सा यही ध्यान रखने की बात है कि जब ये ऊपर है, जमीन से ज्यादा ऊपर है, तो इसकी हाइट ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम है। वही थोड़ा ध्यान रख पाए तो अच्छा है। उसी को अंडरलाइन कर दें, उसी पे 2 स्टार दे दें कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम है, 3 स्टार दे दें। रेडिली आपको दिमाग में आए तो अच्छा है कि जितना ऊपर उठ गया आदमी, उसकी स्पीड उतनी कम हो गई, और जितना नीचे है उतना उसकी भागने दौड़ने की स्पीड ज्यादा है। ऐसा कुछ किसी तरह से रिलेट करें, किसी चीज से, किसी हैपनिंग से रिलेट करें और ध्यान रखें। ठीक है, अब एक्चुअली यहां पर शायद मैंने ये कहा कि जब पी बढ़ गई है तो के ई घट गई है, ये कहने का मुझे हक नहीं है। ये कहने का हक सिर्फ तब है जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो। तो यही मुझे आपको प्रूव करना है कि हाँ, यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, पर रेडिली मैं उस कंक्लूजन को यूज मुझे कायदे से करना नहीं चाहिए था। तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि What are the various forces acting on a particle in vertical circle? What are the various forces acting on a particle in vertical circle? इस पॉइंट के अराउंड एक भागे को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, जब ये मान लीजिए यहाँ है, कोई जनरल पोजीशन ले लेता हूँ, जनरल पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट मास m का है, इसमें एक फोर्स काम कर रहा है mg, यहाँ भागा है टेंशन।
यहाँ धागा है, धागा जब धागा है तो टेंशन तो जरूर आएगा ही आएगा। ये दो ही रियल फोर्सेस है, एक फोर्स है एमजी और एक फोर्स है टेंशन। हाँ मैं एमजी को रिजॉल्व जरूर कर सकता हूँ, चलिए अभी तो मैं बस यही दो फोर्सेस हैं, कायदे से तो यही दो फोर्सेस हैं, एक्चुअली तो यही दो फोर्सेस हैं। हाँ हम एक काम कर जरूर सकते हैं, इसको चलिए रिजॉल्व कर ही लेते हैं। अब हम कायदे से तो यही दो फोर्सेस हैं, अलग से इसको बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लू, ये एम जी है, शायद ये भी थीटा है, ये टी है। मैं एम जी को रिजॉल्व करूंगा एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि सर्किल में जो डायरेक्शन, सर्किल में जो डायरेक्शन डिफाइंड होती है ना, ये होती है रेडियल डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है, और ये डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो अलोंग द रेडियस है वो है रेडियल डायरेक्शन, और जो सर्किल के टेंजेंट के अलोंग है वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये एंगल भी थीटा आएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट आएगा, यह आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और यह आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये टेंशन। एम जी को अभी अगर सर ये पूछा है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो जवाब केवल होना चाहिए एम जी और टी, यही दो रियल फोर्सेस हैं। एम जी को आप रिजॉल्व करें ये आवश्यक नहीं है, ऐसे ही कर लिया मैंने, दो ही फोर्सेस हैं, एक एम जी और एक टी। ऐसे ही फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया एम जी कॉस थीटा में और एम जी साइन थीटा में, आगे तो वो काम आएगा ही। फोर्सेस की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मैं एक बात जरूर और कह सकता हूं कि डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं ना, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा ज्यादा, पर मैं अगर पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो रूल तो यही है कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इक्वेशंस लिख पाने के लिए एक काम हम जरूर अब एक नया आपको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर लगता है। इक्वेशन ढंग से लिख पाने के लिए जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है आप उसको अल्टीमेटली एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर देते हैं ना, रफ इंक्लाइंड प्लेन, बैंकिंग ऑफ कर्व्स वगैरह में यही तो किया था। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा था वो फोर्स को आप एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर रहे थे, तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा उसको मेरे को एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करना है। इसलिए मैं एक बात आपसे और कह सकता हूँ, ये हालांकि रियल फोर्सेज एम जी और टी ही है, एक बस आगे और बात लिख दीजिए, इन डायग्राम्स फॉर ईज ऑफ राइटिंग इक्वेशंस, इन डायग्राम्स फॉर ईज ऑफ राइटिंग इक्वेशंस वी शुड ऑल्सो मार्क अ फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियली आउटवर्ड्स। हम डायग्राम में हमें एक फोर्स और मार्क करना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियली आउटवर्ड्स। ये सेंटर है, ये रेडियली इनवर्ड्स है और ये रेडियली आउटवर्ड्स, ये रियल फोर्स नहीं है। जो भी जाना पहचाना फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो जो भी इस समय सेंटर की तरफ फोर्स होता था हम उसको एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करते थे। तो इक्वेशन में लिख पा रहे मैं ऐसा बताता, शायद टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर ऐसा बताता कुछ, तो आसानी तभी होती है इक्वेशन बना पाने में, आसानी तब होती है जब आप डायग्राम में ही एक एम बी स्क्वायर बाय आर बना लें और उसे रेडियली आउटवर्ड्स बनाए, रेडियली आउटवर्ड्स पे आप हाईलाइट कर दीजिए, पांच स्टार दे दीजिए। डायग्राम में आप एक एम जी बनाइए, क्योंकि ग्रेविटी है तो एम जी तो है ही है, धागा है तो टेंशन है, और उसके अलावा आप एक फोर्स सर्कुलर मोशन की जब भी बात करें तो हमेशा एक एम बी स्क्वायर बाय आर फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स बना लेना चाहिए, तो आपको इक्वेशन लिखने में आसानी होती है। वरना बोल के कहते थे कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ है वो एम बी स्क्वायर बाय आर के रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे इक्वेट तो एम बी स्क्वायर बाय आर से करते ही थे। बस अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ टेंशन। इसी केस की मैं बात कर रहा हूं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ टेंशन इन वर्टिकल सर्किल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ टेंशन इन वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में जो धागे में टेंशन है वो वर्क क्या कर रहा है, तो बता दीजिए
कि टेंशन एट एवरी इंस्टेंट इज परपेंडिकुलर, टेंशन एट एवरी इंस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट. टेंशन एट एवरी इंस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट. टेंशन एट एवरी इंस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट. सर्किल है ना, कोई सा भी सर्किल है, सर्किल है तो हमेशा जिस इंस्टेंट की अगर बात करूं तो टेंशन यहाँ काम कर रहा है और अगर होगा डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ होगा. कोई सा भी सर्किल हो, कोई सा भी सर्किल हो, तुम्हारा जो फोर्स है वो रेडियल है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा टेंजेंशियल है. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, काफी चार स्टार लगा के फिर से लिख दीजिए. इन एनी सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो. ये बहुत लिखी तो 5 स्टार दीजिए. इस समय टेंशन एक सेंटर की तरफ काम कर ही रहा है तो हाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट तो रेडियल अलोंग द टेंजेंट है. सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में कभी कोई वर्क करता ही नहीं है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्किल हो, चाहे वर्टिकल सर्किल हो, चाहे कोई सा भी सर्किल हो. सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे कोई वर्क नहीं करता. जब इसने किसी भी इंस्टेंट पे कोई वर्क नहीं किया तो फिर पूरे सर्किल पे भी इसने कोई वर्क नहीं किया. सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क अगर पूछे तो आपको हर हमेशा आंसर जीरो ही देना है, चाहे वो हाफ रिवॉल्यूशन बोले, चाहे वो फुल राउंड बोले, चाहे एवरी इंस्टेंट बोले, चाहे 30 डिग्री का एंगल बोले, कुछ भी बोले. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है. अब अगले क्वेश्चन में फिर ये लिख दीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए कि इन वर्टिकल सर्किल वर्क डन बाय mg इज ऑलवेज जीरो, ट्रू और फॉल्स. जो ग्रेविटी का फोर्स है उसका वर्क हमेशा जीरो है, ट्रू या फॉल्स? तो भाई ग्रेविटी का फोर्स तो परपेंडिकुलर है नहीं डिस्प्लेसमेंट के. ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट तो कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है. आंसर है फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है. ग्रेविटी का फोर्स ही तो वर्क कर रहा है. जब आप पत्थर को नीचे से ऊपर ले जा रहे हो ना तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आप शायद एनर्जी उसे दे रहे हो कुछ ऊपर जाने के लिए, या इनिशियल वेलोसिटी के कारण वो ऊपर जा रहा है. ग्रेविटी ही तो है यहाँ पे केवल, वही तो इसकी स्पीड बार बार चेंज कर रही है. लिख दीजिए ग्रेविटी इज इफेक्टिव एंड इज डूइंग वर्क. ग्रेविटी इफेक्टिव है और वो वर्क कर रही है. एंगल 90 डिग्री नहीं है, mg भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो भला और एंगल 90 है नहीं तो वर्क डन भला जीरो क्यों होगा? तीन फोर्सेस शायद मैं कह सकता हूं पार्टिकल पे, तीन फोर्सेस हैं, एक mg है, एक टेंशन है और एक हम mv स्क्वायर बाय r भी बना दिया करेंगे. पर mv स्क्वायर बाय r कोई रियल फोर्स नहीं है. रियल फोर्स तो वही है जो एक्चुअली सेंटर की तरफ काम कर रहा है. इक्वेशन में आसानी के लिए, इक्वेशन लिख पाने में आसानी के लिए हमने रूल बनाया है कि हम डायग्रामों में mv स्क्वायर बाय r भी दिखाया करेंगे. दो ही फोर्सेस हैं, टी और mg. तो अब इसमें जो इफेक्टिव फोर्स है, जो इफेक्टिव फोर्स है वो तो mg हुआ खाली, क्योंकि टेंशन तो कभी कोई वर्क करेगा नहीं, mg ही वर्क करेगा और mg एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ले लिख दीजिए क्वेश्चन लिख दीजिए. In vertical circle, mechanical energy is conserved. In vertical circle, mechanical energy is conserved. True or false? Vertical circle में mechanical energy conserved रहता है, ये सही है या गलत है? Answer है true. और बोल दीजिए the only effective force is mg. केवल effective force mg है. Tension है तो, पर वो work नहीं कर रहा है. सिर्फ mg ही एक इफेक्टिव फोर्स है एंड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है. और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करे, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करें, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. लिख दीजिए बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व.
कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसीलिए यहां पर हम न्यूमेरिकल्स में हमेशा ये कह पाएंगे कि बिल्कुल कह पाएंगे कि पी प्लस के ई इज इक्वल टू पी प्लस के ई, लिख दीजिए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए जो महामंत्र है वो डेफिनेटली ये है कि पी प्लस के ई इज इक्वल टू पी प्लस के ई। वर्टिकल सर्किल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो आप बोल सकते हैं पी प्लस के यहाँ पे, इसको पी प्लस के यहाँ पे, या अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो आप बोल सकते हैं पी एट बॉटम प्लस के एट बॉटम, इसको पी एट टॉप प्लस के एट टॉप। अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा सकते हैं। बड़ा ही प्यारा यूज है इसका, ये बहुत ही शानदार उपयोग है। P plus T is to P plus T आप लगा लीजिएगा, बड़ा ही काम मजेदार काम हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाया जा सकता है, और इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाने के ठीक बाद एनसीईआरटी में वर्टिकल सर्कल दे दिया गया है। पी प्लस के इज गुड पी प्लस के ही लगाते जाइए, सिर्फ ग्रेविटी ही यहाँ वर्क कर रही है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, राइट। बस अब हमारा ये कहना है कि जब आप इसे वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे ना तो एक सर्टेन मिनिमम स्पीड से घुमाना पड़ेगा, अगर स्लो स्पीड से घुमाएंगे ना तो वह जैसे झूला होता है ना, स्विंग, जिसको आप स्विंग जो है उसे अगर जोर से घुमा दो तो फुल वर्टिकल सर्किल में घूम जाए। झूले पे आप बैठ के झूला झूलते हैं तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल, और बहुत तेज घुमा देंगे तो पूरा ऐसे ही घूम जाए। हेडिंग दे दी, चलिए लिखिए लूपिंग द लूप, लूपिंग द लूप। ये वर्टिकल सर्किल जो है वो एक लूप बना रहा है, और लूपिंग द लूप में आप ये लिख दीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव इन फुल वर्टिकल सर्किल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव इन फुल वर्टिकल सर्किल, then we use the phrase, तब हम ऐसा phrase use करते हैं कि it is looping the loop, object full vertical circle में घूम जाए तो ये loop इसने अपना पूरा घूम लिया, और नहीं तो ये ऐसे जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे oscillations हो गए ना यहाँ से यहाँ तक, अगर slow है at slow speeds the object moves in arc or in a small in a arc of वर्टिकल सर्किल। अगर स्मॉल स्पीड होंगी तो ऑब्जेक्ट ऐसे आर्क में घूमेगा, आर्क ऑफ वर्टिकल सर्किल, लाइक अ स्विंग, झूले की तरह। इसको हम किसी चैप्टर में बाद में ऑसिलेशंस के चैप्टर में, ये ऑसिलेशंस होंगे, फिर लिख दीजिए नाउ द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेशंस अबाउट द लोवेस्ट पोजिशन, नाउ द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेशंस अबाउट द लोवेस्ट पोजिशन। तो ऑसिलेशन का एक चैप्टर हमारा रहेगा, लास्ट बट वन चैप्टर। ऑसिलेशंस में फिर ये बात आपको पढ़ाई जाएगी, तो ये ऑसिलेशंस कहलाते हैं। अगर ये पूरे सर्किल में घूम जाए, अगर स्लो स्पीड है तो ऑसिलेशंस, और अच्छी खासी स्पीड है तो फुल वर्टिकल सर्किल में घूम जाता है। बस हेडिंग दे देते हैं क्रिटिकल स्पीड, चलिए काम करते हैं। पहले ये बना लेते हैं कि एफ बी डी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्किल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसका एफ बी डी कैसा बनेगा। एफ बी डी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट में एक फोर्स होगा एम जी, वो तो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, एक टी होगा ना, एम जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, T is always towards the center, always readily inverts बोल देता हूँ, always readily inverts, और ये real force तो नहीं है पर मैं इसे डायग्राम में ही दिखा दिया करूंगा, ये mg square by r है, ये always readily outwards। ये इस बात पे एक्चुअली आपको फायदे से 5 स्टार देने चाहिए। अगर आप वर्टिकल सर्किल सीखना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है वर्टिकल सर्किल, अगर ढंग से पढ़ें और लिमिटेड पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें, तो वर्टिकल सर्किल बहुत ही एंजॉयिंग डिस्कशन है।
लेवल बढ़ा देंगे तो सभी कुछ बिगड़ जाएगा। फिर आसान सवाल भी बनना बंद हो जाएंगे अगर आपने लेवल बढ़ा दिया तो। एमजी को ध्यान रख लीजिए, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, टेंशन हमेशा रेडियली इनवर्ड्स होता है, और एक एमजी स्क्वायर बाय आर फोर्स है तो नहीं, पर हम डायग्राम में मार्क किया करेंगे हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स। तो मैं ये एमजी स्क्वायर बाय आर भी मार्क कर देता हूँ और इक्वेशन देखता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्किल में घूम पा रहा है तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नहीं होता तो शायद और ऊपर जाता। मैं तो जरूर ये कहना चाहूंगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम मानते हुए t + mg को mg² पर आ रहा है, तो टेंशन एट टॉप = m² / m। ये काफी काम की बात है, थोड़े से भी ढंग के क्वेश्चंस करने होंगे तो एक्चुअली ये करना तो होगा। ज्यादा इसके सवाल आते नहीं है पेपर में, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को टफ डिस्कशन लगता है, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। इसके बहुत ही रेयर सवाल में किसी भी एग्जाम में, चाहे जेई मेन हो, जेई एडवांस में तो फिर भी मिल जाएंगे आपको, जेई मेन और नीट में इसके सवाल ज्यादा आए कभी भी नहीं है, और उसका प्रूफ हमेशा आप अपने साथ लेके घूमते हैं। पी वाई क्यू को आप हमेशा अपने साथ लेके घूमिए। ये इक्वेशन बनाइए, यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन अगर आपने प्रॉपर बना ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी को रेडियली इनवर्ट बनाइए, एम जी को डाउनवर्ट बनाइए, एम जी स्क्वायर बाय आर को रेडियली आउटवर्ट बनाइए, और नीचे के फोर्सेस इक्वल ऊपर के फोर्सेस, टी प्लस एम जी इक्वल एम जी स्क्वायर बाय आर। अब इसमें से जो भी वो मांगे वो आप निकाल लोगे। मैं इसे ही कहना चाहता हूँ कि टॉप पे टेंशन कम होती है, बस इतना ही लिखना चाहता हूँ। टेंशन एट टॉप इज लेस, माइनस साइन आ रहा है ना, टॉप पे टेंशन कम होती है। इस इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो जिस जगह की आपने इक्वेशन बनाई है ना, ये वेलोसिटी की उसी जगह की लेनी पड़ेगी। लिख दीजिए यार, वेलोसिटी इन वर्टिकल सर्किल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, स्पीड यानी वेलोसिटी हर जगह वेरिएबल। सो इन एवरी इक्वेशन वी इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। हर इक्वेशन में वी बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, वी इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। हर इक्वेशन में वी इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट फॉर विच द इक्वेशन इज बीइंग रिटन। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। हर इक्वेशन में वेलोसिटी उस पॉइंट की वेलोसिटी है जहां के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर टेंशन हमें कम रखनी है, हमारी खोपड़ी है ऊपर, टेंशन हमको कम रखनी है तो हम कुछ कर पाएंगे। और हम कुछ जब तक नहीं कर रहे होते हैं तभी तक टेंशन होती है, जब एक्चुअली कुछ कर रहे होते हैं तो टेंशन कम होना शुरू हो जाती है। ऊपर खोपड़ी हल्की रखिए, यहाँ टेंशन कम रखिए, और यहाँ स्पीड भी कम रखिए, दिमाग में आपके जो विचारों की स्पीड है वो भी थोड़ी कम रखिए। टॉप में सर्किल में चलना है आपको तो टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड भी कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन भी कम होती है, ये याद रह पाए तो अच्छा है, वरना इस सिचुएशन से डिराइव कर ही लेंगे। न्यूमेरिकल में आपको हो सकता है वो बॉटम पॉइंट पे स्पीड दे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के पी प्लस के एट बॉटम इज इक्वल टू पी प्लस के एट टॉप पे लगा के आपको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। ऐसा भी लिख दीजिए, इन न्यूमेरिकल्स वी एट दिस पॉइंट एट द रिक्वायर्ड पॉइंट मस्ट बी फर्स्ट कैलकुलेटेड। न्यूमेरिकल्स में आपको वेलोसिटी इस पॉइंट की पहले निकालनी चाहिए, वी एट द रिक्वायर्ड पॉइंट मस्ट बी फर्स्ट कैलकुलेटेड From the given velocity. सवाल में ये लोग कहते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो पहले आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर ये इक्वेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। पूरा मैथमेटिकल डिस्कशन एक ही बात खतरनाक है। एक तो अगर आप डायग्राम बनाने के सीख गए कि टी कहां बनाएंगे और एमजी कहां बनाएंगे और एमजी स्क्वायर बाय आर कहां बनाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जरूर हम अच्छे से क्लियरली निकाल लें, उन्होंने जो वेलोसिटी दी है वो शायद यूज नहीं करनी है आपको, वो आगे पीछे कहीं वेलोसिटी देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा के आप उस पॉइंट पे वेलोसिटी पहले निकालना जहां की आप अभी आपने अभी इक्वेशन बनाई है, वी हर जगह डिफरेंट है। ओके फाइन, अब हेडिंग दे दीजिए एफबीडी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट ये सेंटर है, mg तो मैं हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही बनाऊंगा, टेंशन में हमेशा रेडियली इनवर्ड्स ही बनाऊंगा, और mg² / r मैं हमेशा
रेडिली आउटवर्ड्स ही बनाऊंगा, बड़े सेट लॉ है, सेट नियम है, दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर और एम वी स्क्वायर बाय आर हमेशा रेडिली आउटवर्ड्स। इन बातों को अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो ये चैप्टर आपको पोर्शन आपको टफ लग ही नहीं सकता। सबसे ही ज्यादा टफ डिस्कशन माना जाता है आज तक जितनी भी फिजिक्स हमने पढ़ी है उसमें वर्टिकल सर्किल सबसे ज्यादा टफ जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा पुअर होता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। बड़ा सिस्टमैटिक है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही मैकेनाइज्ड है, दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है। एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर और एम वी स्क्वायर बाय आर हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, बात ही खत्म हो गई। अब फिर लिख दीजिए अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, हालांकि सच एक्चुअल मायने में ये इक्विलिब्रियम है तो नहीं, पर फिर भी चलिए फिलहाल ऐसा ही करते हैं, ज्यादा उसका दिमाग नहीं लगाते। अभी एक स्टेटमेंट कहने से पूरा कॉन्फिडेंस आपका कम हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम है तो नहीं। एनीवे फिलहाल तो हम यही मानेंगे कि यार देखो ये नीचे नहीं जा रहा ना ऊपर आ रहा है, तो ठीक है मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं ये डाउट, ये थ्योरी आप अपने आप से ना ही पूछे तो बेहतर है। अभी तो कोई रीजन दिए बगैर बोल दीजिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पर जो करने को मना कर दिया जाए आप उसी में इंटरेस्ट लेंगे, आपका ध्यान इक्विलिब्रियम में ही अटका रह जाएगा, आप मेरे साथ साथ अभी आगे चलेंगे ही नहीं तो फिर परेशान होइएगा। अभी से यही काम करिए, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। और मैं ध्यान से बोल देता हूँ ये टी बॉटम है और ये वेलोसिटी भी बॉटम पॉइंट पे, बॉटम पे टेंशन ज्यादा है जब तैयारी आपकी ज्यादा नहीं है, आप बॉटम पे है, आप जब आप शुरुआत कोई टॉपिक करते हैं जब बॉटम पे हैं तो टेंशन आप में कम होती है, और जब टॉप पे आप पहुंच जाते हैं तो टेंशन आपको नहीं रहती है। यहाँ एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर आ रही है, टेंशन ज्यादा है बॉटम पे, टेंशन ज्यादा है। सीधा सा काम है, एम जी को बनाइए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टी को बनाइए टूवर्ड द सेंटर, एम बी स्क्वायर बाय आर को बनाइए रेडिली आउटवर्ड्स। अब ऊपर के फोर्सेस को नीचे के फोर्सेस से इक्वेट कर दीजिए और फिर जो भी मांगा हो एक ही बात रट सकते हैं तो रट लीजिए कि जब आप नीचे हैं, जब आप लेडर पे नीचे हैं तो आपको टेंशन ज्यादा है कि ऊपर पहुंचेंगे कि नहीं, पर एक बार आप ऊपर पहुंचते जा रहे हैं तो टेंशन कम होती जा रही है आपकी, ज्यादा तो चीजों को रटने पे ध्यान कम रखिए, मैथमेटिकल वाली बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी वाली बातें तो बाद में भी कभी भी एक बार सुन के भी याद रह जाती है। मैथमेटिक्स को पकड़ने की कोशिश करिए कि ये इक्वेशन आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और बस इंपॉर्टेंट बात आज भी ये है कि हो सकता है उसने वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे दी हो तो आप पहले वी बी निकालना, लिख दीजिए फर्स्ट वी बी मस्ट बी कैलकुलेटेड। अगर आगे आपको जाना है या तो सवाल इतना ही पूछेगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन लिखो तो ठीक है, अगर कुछ और करना है तो वो देगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा तो आप पहले बॉटम पे निकालना। इतना ही बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर स्लो स्पीड पे धक्का मारेंगे तो ये झूले की तरह बस ऑसिलेशंस करेगा, पूरा लूपिंग द लूप नहीं होगा। तो लूपिंग द लूप के लिए ना एक सर्टेन मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। हेडिंग दे दीजिए क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड, और बस बोल दीजिए मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव इन फुल वर्टिकल सर्किल, मिनिमम स्पीड for the object to move in full vertical circle. तो ये जो critical speed, अब मेरे को अलग से आपको बतानी पड़ेगी कि critical speed topmost point पे कितनी होती है, ये लिख दीजिए, heading दे दीजिए critical speed at topmost point, topmost point पे critical speed। तो मैं topmost point का diagram फिर से फटाक से बना लेता हूँ, ये mg ले लेता हूँ, ये t ले लेता हूँ, और ये mg स्क्वायर बाय r बना लेता हूँ, और t प्लस mg इज इक्वल टू mg स्क्वायर बाय r। मैंने फटाफट इसका डायग्राम बना लिया, अगर इतना हम कर सकेंगे तो मजा आ जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब मेरा ये कहना है कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ एक तो mg प्रोवाइड कर रहा है, और अगर mg अकेला सफिशिएंट नहीं हुआ तो मैं धागे पत्थर को पकड़ के नीचे खींच लूंगा, आगे भाग जाने से रोकूंगा, ऐसा ही कुछ लिख दीजिए। हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय mg प्लस t, हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय mg प्लस t,
यहाँ जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो एम जी प्लस टी प्रोवाइड कर रहा है। हमारा इसमें रूल था, हमने काफी इस पर ध्यान दिया था पहले कि जो भी डायग्राम में फोर्स सेंटर की तरफ मार्क्ड होगा रियल फोर्स, बस वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली सेंट्रीपेटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एम जी प्लस टी। एम जी तो ग्रेविटी लगाती लगाती है और टेंशन मुझे लगानी पड़ती एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने टेंशन नहीं लगाई और ये फिर तो भाग जाएगा पत्थर, तो मैं टेंशन ऑटोमेटिकली लगा लेता हूँ। ऑटोमेटिकली अपने आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेंशन विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लगाते रहते हैं। वर्टिकल सर्किल में हमें पत्थर को घुमाना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप बाउंड्री केस की बात कर रहे हैं, आप क्रिटिकल केस की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, तो मैं शायद ये कहूंगा कि टी जीरो ले लेते हैं। हम मिनिमम स्पीड देखना चाह रहे हैं, बहुत ही धीरे घुमाएंगे तो शायद ऊपर जाएगा ही नहीं, और गया भी तो नीचे गिर पड़ेगा। तो एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, बस ऐसे ही लिख दीजिए इन द क्रिटिकल केस टी इज इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल केस में टी इज इक्वल टू जीरो, वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल टेंशन। क्रिटिकल केस में हमें एक्सटर्नल टेंशन नहीं लगानी पड़ती। टॉप मोस्ट टी टॉप इज इक्वल टू जीरो, इन द क्रिटिकल केस टी टॉप इज इक्वल टू जीरो। ऐसा आप अच्छे से ध्यान रखिए, तीन स्टार लगा दीजिए। क्रिटिकल केस की बात कर रहा हूं, क्रिटिकल केस में टेंशन एट टॉप इज जीरो, तो mg का फॉर्मूला हो गया mg स्क्वायर बाय r, और m और m कैंसिल हो गया, तो v का फॉर्मूला हो गया रूट जी आर। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया रूट जी आर। बैंकिंग स्किडिंग के लिए सर फ्लैट रोड पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था रूट म्यू जी आर, यहाँ आ रहा है रूट जी आर। डायमेंशनली रूट जी आर इज वेलोसिटी, वेलोसिटी रूट टू जी एच भी होता था ना, डायमेंशनली वेलोसिटी यानी रूट जी आर। बस यही आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल केस में अगर अगर मेरी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर रूट जी आर हुई, अगर मेरी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर रूट जी आर हुई यानी उससे हल्की सी भी ज्यादा, तो ये ऑब्जेक्ट आगे अपने आप ही चला जाएगा, और एक बार आगे चला जाएगा तो फिर तो उसको ग्रेविटी मदद कर ही देगी, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधे से रटना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आप ऐसा बोल दीजिए क्रिटिकल स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज रूट जी आर, और इसको 5 स्टार दे दीजिए और रट लीजिए। बस मेरे हिसाब से तो रट लीजिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक तो वेलोसिटी के डायमेंशंस में रूट जी आर होता है, चाहे वो रूट टू जी आर हो, चाहे रूट टू जी एच हो, चाहे रूट म्यू आर जी हो। वेलोसिटी में रूट जी आर के अलावा एक डायमेंशनलेस टर्म आता ही आता है। तो यहाँ तो क्रिटिकल केस में वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ रूट जी आर है। अगर मेरी वेलोसिटी रूट जी आर से थोड़ी भी कम हुई ना, तो ये आगे नहीं जा पाएगा, शायद टॉप मोस्ट पॉइंट पे धागा स्लैक हो जाएगा, ये गिर पड़ेगा। अगर वेलोसिटी रूट जी आर है या उससे थोड़ी सी भी ज्यादा है, तो ये पूरा लूपिंग द लूप कंप्लीट कर लेगा। हमें तो बस रूट जी आर रटना है, हमें थोड़े कम को और थोड़े ज्यादा को ना ही हम डिस्कस करें तो अच्छा है। हमने तो ये समरी बनाई है कि क्रिटिकल केस में, आप लिख दीजिए अलग से समरी, इन क्रिटिकल केस एट टॉप मोस्ट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट जी आर। क्रिटिकल केस ही केवल हमें पढ़ना है एक्चुअली, ये जनरल केस है, ये इक्वेशन फिलहाल अभी जरा इसका ध्यान नहीं है, ये जनरल केस है। क्रिटिकल केस की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है क्रिटिकल केस है, और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक पर टेंशन जीरो और वहां पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी पर रूट जी आर है। बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है। डेरिवेशन सेकेंडरी हैं, वो आप कभी भी सीख लेंगे। अगर रिजल्ट्स आपने याद रख लिए तो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, और क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो मोटिवेशन होगा, तब आपकी इच्छा होगी कि आप फिजिक्स पढ़ें, वही ना, वरना आप फिजिक्स से भागते ही रहेंगे। अभी तो सिर्फ रिजल्ट याद करिए और सीधे कॉपी खोल के रखिए अपने टेबल पे, कॉपी खोल के रखिए, नोट्स खोल के रखिए, और सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वाले बुक है उससे उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। कुछ आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, 30-40% सवाल आपसे बन जाएंगे पहली रीडिंग क्लास के बाद ही। सीधे कुछ भी बन गए, एक दो भी बन गए, तो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, फिर धीरे धीरे फिर वो आपको साइड में कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 बार के बाद ये फॉर्मूले आपको थोड़ा थोड़ा याद होने शुरू हो जाएंगे। अभी फॉर्मूले याद होने का इंतजार मत करिए, नोट्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बस कॉपी खोल के रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एंड देन यू विल फील एक्चुअली चैलेंज्ड। जब आप रीडिंग लगा रहे हो देन यू आर नॉट फीलिंग चैलेंज्ड, एंड व्हाट वी नीड इज चैलेंज।
क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे और कहीं कहीं आपको समझ में लगेगा कि यार ये थोड़ा गड़बड़ दे रहा है, तो यू विल फील चैलेंज्ड। आप उसको फोबिया की तरफ कन्वर्ट करने के बजाय या ये डिसाइड करने के बजाय कि नहीं बन रहे, फील चैलेंज्ड। चैलेंज तो हमें किसी का बर्दाश्त है ही नहीं। बस अब आप हेडिंग दे दीजिए या क्वेश्चन लिख सकते हैं, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो मेरा ये कहना है कि ये टॉप है और ये बॉटम है, और मैं तो ये बोलूंगा बी एट टॉप प्लस ए एट टॉप इसको बी एट बॉटम प्लस ए एट बॉटम। मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी एट टॉप अगर रूट जी आर है तो मैं यही जानना चाहता हूं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी। एक्चुअली तो क्रिटिकल से नॉर्मली हमारा मतलब यही होता है, क्रिटिकल से हम नॉर्मली टॉप मोस्ट पॉइंट की ही बात करते हैं, पर इसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कही जा सकती है। तो पी एट टॉप प्लस के एट टॉप इज गुड पी एट बॉटम प्लस के एट बॉटम आपको करना पड़ेगा। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जरा ध्यान से देखिए, इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, पूरा डायमीटर है, ये आर है और ये आर है, इसलिए डिस्टेंस 2r। मैं जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना जर्नी का, किसी भी जर्नी का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए उसको ग्राउंड मान सकता हूं, और मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख सकता हूं। तो फिर यहां पोटेंशियल एनर्जी में एनजी इंटू एच ले लूंगा, ऐसा डैश करके लाइन लिख दीजिए। ये बात न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आ सकती है, आपकी तीन स्टार भी दे दीजिए कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ग्राउंड, इज यूजुअली कंसिडर्ड एज ग्राउंड। जर्नी का जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम ग्राउंड मानते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। जर्नी के लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मान लीजिएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मान लिया करें हमेशा। एंड नाउ ऑल हाइट शुड बी मेजर्ड अबव द बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब आपको जो भी हाइट नापनी हो ना, आप यहां से नाप लो। ये एच जीरो का रेफरेंस लेवल है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां एच जीरो है, और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहां से आप एच नाप के करस्पॉन्डिंग एम जी एच ले लेना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू टू आर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, और वहां वेलोसिटी है रूट जी आर प्लस स्क्वायर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, और यहां पर मैं ये हाफ एम वी भी निकालना चाहता हूं। बड़ी प्यारी इक्वेशन है, बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है एनर्जी कंजर्वेशन। पी एट टॉप प्लस के एट टॉप इज गुड पी एट बॉटम प्लस के एट बॉटम। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो लूंगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसको हाफ एम बी स्क्वायर लिखूंगा, और काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे मुझे मालूम है वेलोसिटी, इसे मैं हाफ लिखूंगा तो हाफ एम बी स्क्वायर ही, और वी से है रूट जी आर, और इसी में बस आपको दिमाग थोड़ा सा इसी में लगाना पड़ेगा एम जी एच में। ऐसा आप लिख दीजिए डिसीजन ऑफ एम जी एच, डिसीजन ऑफ एच इज ट्रिकी, या मतलब नीड्स कॉन्सेंट्रेशन। यही थोड़ी बहुत गलती हो सकती है शायद आपसे, जैसे कि इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हो सकता है आप टू आर ना लेते, यही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एम जी इंटू टू आर प्लस हाफ एम जी आर square. ये 4gr plus gr by 2 is equal to half vb square हो गया, ये cancel हो गया, vb is equal to root 5gr, ये हो गया।
तो ये भी आप डेरिवेशन नहीं करना तो मत करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे और बाद में आसानी से बनने लगे तो ये अच्छा तो है, ये वाला पार्ट एडवाइजेबल तो है, पर फिलहाल तो खाली रटने पे ही ज्यादा फोकस लगाइए। देख लिया एक बार होते हुए, अब उसको रट लीजिए, PYQ के कुछ सवाल बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये सब भी आप सीख ही जाओगे। अगर यहाँ वेलोसिटी रूट GR है तो यहाँ वेलोसिटी रूट 5 GR, अगर यहाँ वेलोसिटी रूट GR है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5 GR है, ये भी क्रिटिकल स्पीड है। लिख दीजिए अलग से, क्रिटिकल स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट रूट 5 GR, क्रिटिकल स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज रूट 5 GR। नीचे तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है खाली, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नहीं टकराते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से टकराते हैं, यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो है और जैसे जैसे ये गिरता जाता है इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, जब जमीन पे गिरता है तो बहुत भयंकर स्पीड से गिरती है कोई चीज। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम से मान लीजिए कि गिरते ही आया, ऐसे आया है, कंजर्वेटिव फील्ड में तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, पाथ का तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, गिर के ही आया। हम यहाँ ये समझते हैं कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5 GR से कम हो ऐसा ले लीजिए, इफ स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट इज लेस देन रूट 5 GR, स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5 GR से कम है, then the corresponding speed at the topmost point, अगर bottom most point पे speed root 5 GR से कम है तो topmost point पे speed will be, the corresponding speed at the topmost point will be less than root GR, अगर bottom most point पे root 5 GR से कम है तो corresponding speed at the topmost point will be less than root GR, और अगर highest point पे speed root GR से कम हुई, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट स्पीड रूट GR से कम हुई, देन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द थ्रेड विल बिकम स्लैक, तब टॉप मोस्ट पॉइंट पे धागा जो है ना वो ऐसा ढीला पड़ जाएगा, यहां से यहां तक तो जाएगा और उसके बाद वो फिर पत्थर के वेट के कारण धागा ऐसा पड़ जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू लूप द लूप, लूपिंग द लूप विल नॉट हैपन, अब ये पूरे लूप में घूम नहीं पाएगा, ये टपक पड़ेगा, ये यहां से टपक पड़ेगा। अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5 GR से कम हुई तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट GR से कम होगी, रूट GR भी हो तो हम मान लेंगे कि आगे चला जाएगा, रूट GR से कम हुई तो फिर तो आगे नहीं जा पाएगा, फिर तो ये ग्रेविटी के मारे ये पत्थर गिरेगा और धागा स्लैक हो जाएगा। खींचा हुआ धागा हो तो उसमें फिर भी टेंशन हो सकती है, इन अ स्लैक थ्रेड अलग से लिख दीजिए, 3 स्टार दे दीजिए, इन अ स्लैक थ्रेड टेंशन इज जीरो, ढीले धागे में काहे की टेंशन, ढीला जो धागा है जहां बॉन्ड मजबूत नहीं है वहां टेंशन जीरो। दो हजार 2016 का नीट आज तक के सबसे टफेस्ट नीट माना जाता है, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, अ मास इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ थ्रेड, एक मास एक धागे से वर्टिकली लटका हुआ है, तो व्हाट मिनिमम स्पीड शुड बी गिवन टू इट, व्हाट मिनिमम स्पीड शुड बी गिवन टू इट सो दैट इट इज एबल टू मूव इन फुल वर्टिकल सर्किल, what minimum speed should be given to it so that it is able to move in full vertical circuit. तो ये हम 2016 की बात कर रहे हैं, नीट 2 की 2016 के, जो कि toughest ever था, उसका तो ये एकदम direct question आ गया, जैसे direct question के आज हम 2023 में expectations रखे हुए हैं वैसा easy एक question 2016 में भी आया था, ऐसे questions हमेशा आए हैं direct वाले, बस वो तो बाकियों के कारण आप इतना घबरा चुके होते हैं कि यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़म करके आ ही जाते हैं। बड़ा क्लियर है कि आंसर है रूट 5 GR, इसको कम से कम आप रूट 5 GR स्पीड दीजिए तब जाके फुल वर्टिकल सर्किल में घूम जाएगा,
तो मैं कह तो रहा हूं आपसे कि आप पहले रिजल्ट्स याद करिए और रिजल्ट याद करने के बाद सीधे पीवाईक्यू खोल लीजिए। अगर आप फिजिक्स पे जीतना चाहते हैं, फिजिक्स को जीतना चाहते हैं, तो रणनीति एग्जैक्टली वैसी हो जैसी मैं कह रहा हूं। यू मस्ट फील चैलेंज्ड। क्वेश्चन पढ़ा, आधा समझ में आया और आधा कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है, बस वहीं आप उतने ही पोर्शन को पढ़ने आप वापस अपने नोट्स में जाइए, वो सवाल बनाइए पहले, और नहीं तो सोल्यूशन देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां अटक रहे थे। सवालों से फिजिक्स सीखिए, थ्योरी से अगर आपने फिजिक्स सीखने की कोशिश की तो कभी नहीं सीख पाओगे। जो फिजिक्स थ्योरी से सीखना चाहते हैं उन्हें फिजिक्स का फोबिया होता है, और जो न्यूमेरिकल्स करके फिजिक्स सीखना चाहते हैं वो फिजिक्स के मास्टर हो जाते हैं। और फिजिक्स ज्यादा सिंपल स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। सिली मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा, जैसा फिजिक्स आजकल आ रहा है उससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। रूट 5gr अगर आपने पढ़ा है तो उसने तो डायरेक्ट पूछ लिया, बस रूट 5gr बात ही खत्म। पी प्लस के इज़ टू पी प्लस के ही तो अच्छे बड़े टफ सवालों की बात होती है, ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाना, अगर वो आप नहीं लगा पा रहे हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है आपको, सवाल तो सर रूट 5gr या रूट gr ही आएगा। एनीवे, ये हो गया बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि टेंशन है जीरो, क्रिटिकल केस की ही केवल हम लोग सिर्फ बात करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है जीरो और वहां पे वेलोसिटी है रूट gr क्रिटिकल वाली, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल टू रूट 5gr। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिए, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इन क्रिटिकल केस, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इन क्रिटिकल केस। तो बॉटम का मैं एफटीडी बनाऊंगा, यहां ये मास डाल दूंगा, ये धागा है जो कि टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ होगी, टेंशन तो सेंटर को झेलनी है, स्टेट को तो सेंटर झेलनी नहीं है, टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। एनजी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और एनजी स्क्वायर बाय आर हमेशा बाहर भाग जाने की कोशिश करेगा। एमवी स्क्वायर बाय आर के कारण ऑब्जेक्ट रेडिली आउटवर्ड्स भाग जाना चाहता है शायद। एनीवे, इक्वेशन है मेरी पी इज इक्वल टू एमजी प्लस एमवी स्क्वायर बाय आर, जहां मुझे ध्यान से लिखना है कि ये वी नहीं, ये वी है। आप किस जगह की बात कर रहे हैं उसका नाम जरूर लीजिएगा, अगर टॉप पे है तो वी टी लिखिए, बॉटम पे है तो वी बी लिखिए। अब यहाँ वी बी को रूट 5gr डाल दीजिए, टेंशन है एमजी प्लस एम बाय आर, ये टेंशन हो गई 6mg। ये टेंशन हो गई 6mg, बस यही आपको रटना है। मैंने ये रटा, अगर ये क्रिटिकल सर्किल है, अगर ये क्रिटिकल सर्किल है तो यहां पर टेंशन है जीरो और यहां वेलोसिटी है रूट जीरो, और तब यहां टेंशन है 6mg और यहां वेलोसिटी है रूट 5g। इसको आपको डायरेक्टली रटना है, बस यही फाइनल समरी मान सकते हैं। इन्हीं में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है पेपर में, क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ा तो ये तो टफ क्वेश्चन कहलाता है। सॉल्व करने की चिंता भी आप ना करें, हालांकि सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब बहुत एंजॉयिंग है, और एक बार नहीं 5, 6, 7, 8 बार में तो समझ में आएगा, और उतना हम तैयार है। पहले रिजल्ट रटिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सब जीरो जीरो, सब कमी है, ऊपर टेंशन भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, नीचे टेंशन भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, यही है, सही कुछ याद करना है। अच्छा, ये तो क्रिटिकल केस था, पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। टी बॉटम माइनस टी टॉप इज इक्वल टू 6mg, पर ये बात है ऑलवेज फॉर एनी वेलोसिटी, ये भी एक अच्छी ही बात है। टी बॉटम माइनस टी टॉप इज इक्वल टू 6mg, इस पे भी 5 स्टार दे दीजिए आप, और ये हमेशा वैलिड है। क्रिटिकल केस में तो है ही, हम अब सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, कोई जनरल केस लेके भी इसे प्रूफ किया जा सकता है। टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6mg रहेगा, 6 मग्घे के बराबर टेंशन का डिफरेंस रहता है। एमजी, एमजी को आप मैगी बोलें या मग्घा बोलें, बॉटम पे टेंशन 6 मग्घे तक लेती है,
सो के उठते हैं सवेरे आप, ऊपर कोई टेंशन नहीं, नीचे बहुत टेंशन है, भाग रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, छह पंखे लगेंगे आपको, टेंशन एट बॉटम ज्यादा होती है, टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप 6 mg होती है। ये जो एग्जांपल 6.7 दिया है ना, वो एक प्रकार से पूरी तरह हमारा डिस्कस हो चुका है, एक काम कर लेते हैं, चलिए एग्जांपल 6.7 की ही बात कर लेते हैं, रिजल्ट हमारे सारे आ चुके हैं, इसमें रिवाइज हो जाएगा। द बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, तो ऐसे ही सस्पेंड किया है, नीचे उसका मास अटका हुआ है। इट इज इंपार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। अच्छा, नीचे से सेमी सर्कल तक ही आया है, वैसे अ सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, पूरा नहीं आया है। इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, सेमी सर्कल ट्रैजेक्टरी से कंप्लीट कर लिया और टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच भी गया और ऊपर जाकर धागा स्लैक हो गया है। मतलब ये ऐसा ही पता नहीं सेमी सर्किल क्यों इसने बोला, ऐसा समझ नहीं आया मुझे, तो पूरे सर्किल में जाने की बात कर रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे धागा स्लैक हो रहा है बस। कहता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी बतानी है आपको और फिर स्पीड्स एट बी एंड सी, बी पे हम स्पीड निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी ये भी कर लेते हैं, एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब आफ्टर इट रीचेस पॉइंट सी। वही कुछ है, मैं आपको एक काम कर देता हूँ, पहले तो मैं चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए कि डिस्कस द वेलोसिटी एंड टेंशन, वेलोसिटी एंड टेंशन व्हेन द थ्रेड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी एंड टेंशन इन द क्रिटिकल केस, क्रिटिकल केस ही है पर थ्रेड हॉरिजॉन्टल हुआ है, थ्रेड हॉरिजॉन्टल हुआ है, यहां था अब ये यहां आया है, पूरा घूम तो फुल वर्टिकल सर्किल में ही रहा है, घूम तो ये फुल वर्टिकल सर्किल में ही रहा है, ये ए से बी पे आया है, ये बी से क्या है, मैंने बी बॉटम के लिए कहा था पर मैं जो एग्जांपल 6.7 में दिया उसकी बात मैं कर रहा हूं, ये क्रिटिकल केस है, ये क्रिटिकल केस है, तो मैं पहले मेरा काम है मुझे ये तो पता है कि बी पे रूट 5 जी आ रहा है, मुझे ये तो पता है ये रूट 5 जी आ रहा है, अब मुझे बी बी निकालना है, तो बोलूंगा पी एट बी प्लस ए एट बी इसको बी एट ए प्लस ए एट ए, ऐसा मैं बोलूंगा। हाँ, ये आसान नहीं लगता हमें शुरू शुरू में, पर ये स्केलर फॉर्म में है, इसमें कोई फोर्सेस नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, इसलिए ये इवेंचुअली आपको आसान लगने लगता है, पर हाँ 10-20 सवाल के बाद ही आसान लगता है, तो इनिशियली इसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं, खाली रिजल्ट ध्यान रखिए। तो मैंने ग्राउंड मान लिया, ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ मैं हाइट 0 मान रहा हूँ, अगर मैं बी पे हूं तो मुझे इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हम सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इंटरेस्टेड रहते हैं, ये हो गया mgr, काइनेटिक एनर्जी एट बी, मैं चलिए वेलोसिटी निकाल लेता हूं, हाफ एम बी स्क्वायर, ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि वही मेरा ग्राउंड है और ए पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम और रूट 5 जी आर का स्क्वायर। ये बड़ी ही सुंदर इक्वेशन है, बड़ी ही प्यारी इक्वेशन है, इसे सीख लें, ट्राई करें, और नहीं तो बस यही समझाएं कि कोई बात नहीं अभी नहीं आई मुझे, थोड़े से 3-4-5-6-7-8 बार आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी, देयर इज नो हरी एट ऑल, एक सिंसियर एफर्ट हो कि हाँ मैं ट्राई तो कर ही रहा हूं, बस छोड़ ना दें। ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी है, यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी रूट 5 जी आर है, हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी में रूट 5 जी आर, बी पर वेलोसिटी मुझे निकालनी है और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट केवल में लेता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है ना, ऐसा अलग से फिर से लिख दीजिए कि इन ग्रेविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, इन ग्रेविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड वी कंसिडर ओनली द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल को हाईलाइट करिए, वी कंसिडर ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
we consider only vertical displacement for calculation of potential energy. जब हमें पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्ट होता है तो हम केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं. वर्टिकल हाइट ऑलवेज मींस वर्टिकल हाइट. हाइट ऑलवेज मींस वर्टिकल हाइट. तो यहां पर मैं देख रहा हूं एनजीआर प्लस हाफ एम बी बी स्क्वायर. हम बी से मेरा मतलब फिलहाल ये बहुत पहले मैंने इसको बी कहा था, इसको भी कह रहा हूं, इसको मैं हाफ भी मैं भी मिडिल कह देता हूं या हॉरिजॉन्टल कह देता हूं. तो ये टॉप का है बॉटम का, तो मिडिल ही ठीक रहेगा. इसको मैंने चेंज कर दिया वापस मिडिल कह रहा हूं. इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ एम और बी स्क्वायर में आ जाएगा 5g. तो एम को सबसे पहले कैंसिल कर दो और अब ये बन जाएगा जी आर. और इसको इधर ले आओ, उस तरफ ले चलता हूं मैं. हाफ डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 जी आर माइनस जी आर. चलो 5/2 - 1 3/2 जी आर. आर कभी कभी कैपिटल भी लिख सकते हैं, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया. तो बी मिडिल की वेलोसिटी आ गई √3 जी आर. बस ये इक्वेशन सॉल्व करने के स्टेप्स पे भी अभी आप नहीं चाहे तो मत जाइए, इतना लिखना सीख लें तो अच्छा है, कभी ना कभी तो सीखना ही पड़ेगा, वो भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए. इन माय ओपिनियन, मैं अगर 23 की बात करूं तो ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है मेरे हिसाब से. तो आई मे बी रॉन्ग इज वेल, बट मैं तो यही मानता हूँ आज की तारीख में यहाँ से बैठ के, ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है. नहीं आए तो ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता. अभी तो आपसे रिजल्ट याद करिए, अभी तो सिर्फ रिजल्ट याद करिए कि क्रिटिकल केस में वेलोसिटी मिडिल पोजीशन पे √3 gr हो जाती है. याद करिए और बस फिर कभी कभार बाद में जब अच्छे से याद हो जाए, जब सवाल बनने लगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, तो जब डेरिवेशन आप पढ़ेंगे तो एक ग्लांस में ही समझ में आएगा. अभी पढ़ेंगे तो डेरिवेशन 3-4-5-6 बार पढ़ेंगे तब भी लगेगा कि पता नहीं क्या कचरा कर रहा है. तरीका बदलिए, मेरे ख्याल से तो फर्क आएगा. अब बचती है, लिख दीजिए हेडिंग, लिख दीजिए टेंशन इन द मिडिल पोजीशन. टेंशन इन द मिडिल पोजीशन, मैं सारी बात कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल केस. क्रिटिकल केस, तो मैं एफबीडी बनाता हूं. यहां पर यहां ऑब्जेक्ट है, एफबीडी बना रहे हैं मिडिल पोजीशन में, यहां टेंशन है और यहां एमडी सर्वाइवर. और मैं शायद यही है, एम जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन तो हमेशा सेंटर को संभालनी है, टेंशन सेंटर की तरफ कर दी, जो भी हमें टेंशन आई हमने उसे सेंटर की तरफ कर दी. स्टेट गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता, वो सेंटर की तरफ कर देती है डायरेक्ट. और एम वी स्क्वायर बाय आर हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होता है. तो इस हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं मैं. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में टेंशन है एम वी स्क्वायर बाय आर और ये वी है वी मिडिल. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में जो टेंशन है ये है एम वी स्क्वायर बाय आर. बस आप ये V को √3 gr डाल दीजिए, ये टेंशन आ जाएगी 3 inch. ये सारी कहानियां कंप्लीट हो गई हैं. मिडिल पोजीशन में ध्यान से मैंने V को Vm लिखा है, बस इतना ही सीखना है. अब mg तो आई नहीं ना, ये तो वर्टिकल फोर्स है, मैं खाली हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ. mg से मुझे कोई लेना देना ही नहीं. इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स. टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंटीपेटल फोर्स एट दिस पॉइंट. खैर बस ये इतना करना है और अब हम समरी बना लेते हैं. अब हम फाइनल समरी बना लेते हैं. समरी ऑफ क्रिटिकल सर्किल, क्रिटिकल सर्किल की कंप्लीट समरी बना लीजिए. सारे सवाल आपसे ओरली हो जाएंगे इसके बाद. इसमें मैं कितनी चीजें लिखूंगा. ये है पहले तो बॉटम पॉइंट, ये है मिडिल पॉइंट, ये है टॉप पॉइंट. इसको टी लिख देता हूं. टॉप पॉइंट पे टेंशन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी है √gr, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम जी स्क्वायर हाफ एम जी आर और पोटेंशियल एनर्जी है mg into 2r. ये
मैंने उसकी सारी जानकारियां लिख ली जो जो होती थी। यहाँ पे टेंशन है 6 mg बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, क्रिटिकल वेलोसिटी है √5gr, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², तो मेरे ख्याल से 5/2 mgr आ जाएगा, 5/2 mgr, और पोटेंशियल एनर्जी है 0। टेंशन और वेलोसिटी रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी शायद आप अपने आप निकाल ही पाएंगे। इधर मिडिल पोजीशन की मैं बात करूं, यहाँ पे टेंशन है 3 mg, वेलोसिटी है √3gr, और काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², सो 3/2 mgr, और पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से अगर यहाँ 0 है तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है mgr। ये कुछ भी मत पढ़िए वर्टिकल सर्किल में, सिर्फ इसको बार बार देखते रहिए, आपसे शायद सारे सवाल बन जाएं। जो PYQ में मिलेंगे आपको वो तो डेफिनेटली सारे सवाल बन जाएंगे, सिर्फ इसको रिवाइज करते रहिए, बेसिकली रटते रहिए खुले साफ शब्दों में। अब अगर मैं एग्जांपल पढ़ूंगा ना तो शायद मुझसे ये ओरली बन जाए, उसी के हिसाब से मैंने ये रिजल्ट बना के दिया है आपसे। मैं इसकी सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ वापस, एग्जांपल 6.7 की, कहता है देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस अबव ग्रेविटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, द लेटर डज नो वर्क, लेटर जो बाद में अटेंशन वो कोई वर्क नहीं करता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉब इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, हमें पता है पोटेंशियल बॉब इज देन एसोसिएटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। कह रहा है साफ कि यहाँ टेंशन है तो कोई वर्क किया नहीं है, सो जो भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी वो ग्रेविटी के ही कारण है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम टू बी जीरो एट द लोएस्ट पॉइंट, जो भी जर्नी का जो भी लोएस्ट पॉइंट है वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते ही हैं, और ये सब करने के बाद फाइनल आप तो ये देखिए, एक तो वेलोसिटी कहीं √gl आ गई और कहीं √5gl आ गई, है ना। अब देखिए आप एनर्जी एनर्जी देखिए, ये सारे भी हो गए, एनर्जी का फाइनल आप देखिए के ई इन द मिडिल पोजीशन अपॉन के ई। अब यहाँ के ई का रेशियो मांग रहा है, अगर यहाँ के ई का रेशियो मांग रहा है तो आप ये बताएं कि यहाँ पर तो ये 1:3 है, पता नहीं कहाँ कहाँ मांगा है उसने, देखते हैं। सवाल पढ़ रहा हूं मैं, बी एंड सी पे मांगा है उसने, डायग्राम में बी उसने, हाँ ये उसका बी है, तो यहाँ 3/2 mgr है और यहाँ 1/2 mgr है, तो के ई का रेशो 3:1 है। के ई का रेशो 3:1 है, है ना, 3:1 हमारी चार्ट से डायरेक्टली आ ही रहा है। हम तो यहाँ समझते हैं कि भाई आप देखो यहाँ ये सवाल मेरे हिसाब से समाप्त हो गया और जितने भी डिस्कशन करने थे सभी समाप्त हो गए। दैट पॉइंट सी द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल एंड टू द लेफ्ट इज द स्ट्रिंग कनेक्टिंग स्ट्रिंग कंसिस्टेंट द बॉब विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्टेड मोशन। ये थोड़ा एडवांस केस है, मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ इसको। पहले तो आप इसका ध्यान रखिए कि यहाँ पे अच्छा इसके साइड में आप ये भी एक बात लिख देते हैं कि टी बॉटम माइनस टी टॉप इज इक्वल टू 6 mg ऑलवेज, बस इनमें आपका सवाल मेरे ख्याल से तो बन ही जाएगा इतने में, वरना सारे बेसिक्स भी हैं आपके पास, पहले तो इन्हें रट लीजिए क्योंकि ये टफ टॉपिक है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को, बिल्कुल भी नहीं आता। एडवांस सवाल एक दो भी कर लिए तब तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा, एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात पक्की तय है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा और गवाह है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेयरली एक आध क्वेश्चन बाहर मिलेगा इसके, ज्यादातर क्वेश्चन अगर 70% क्वेश्चन भी अभी बन जाते हैं आपसे तो फिर क्या दिक्कत है, 50% भी अभी बन जाते हैं मतलब बाकी तो सीख ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना पर्याप्त है। यहाँ पर सब ज्यादा है सिवाय पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और सब घटता है, टेंशन भी घटती है, वेलोसिटी भी घटती है और केई भी घटती है, ऐसा ही बोल दीजिए। एट टॉप मोस्ट पॉइंट एवरीथिंग इज मिनिमम एक्सेप्ट पी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सब कुछ मिनिमम है पी के अलावा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सब कम है, वेलोसिटी भी कम है, टेंशन भी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। टॉप पे तो हमारी खोपड़ी है ना, हमारा सारा पोटेंशियल तो टॉप पे रहता है ना,
टॉप पे हमारी खोपड़ी है, सारा पोटेंशियल तो टॉप पे ही रहता है, तो टॉप पे तो पोटेंशियल ज्यादा होगी ही होगी। बस अगर टेंशन की बात मैं देखूं, मैं ऐसे ही थोड़ी सी और कुछ बातें करता हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टेंशन यहाँ 6 mg से 3 mg हो गई और यहाँ 0 हो गई। तो टेंशन जब तुम बॉटम से मिडिल तक जाते हो तो 3 mg कम हो जाती है, और थ्री और मिडिल से टॉप तक जाते हो तो और 3 mg कम हो जाती है। टेंशन में 3 mg की कमी आती जाती है। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ √5gr था, यहाँ √5 - 2gr है यानी √3gr है, और यहाँ पर √3 - 1gr है, √3 - 2gr है यानी √3gr। वेलोसिटी में ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर सॉरी ये रटने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 mg से 3 mg हुआ और 0 हुआ, टेंशन में 3 mg की कमी आती है और वेलोसिटी में रूट के अंदर 2 की कमी आती जाती है। ये 5 था, ये 2 की कमी आई 3 हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में रूट 2 gh चलता है ना, कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 था, ये 3 हुआ और 3 से ये 1 हो गया। और अगर वेलोसिटी याद है तुम्हें, वेलोसिटी याद है तो काइनेटिक एनर्जी तुम 1/2 mv² से निकाल ही लेना। काइनेटिक एनर्जी मत रटो, सिर्फ टेंशन रटो और वेलोसिटी रटो, और हाँ पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होगी, यहाँ mgr होगी और यहाँ mg/2r होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, जहाँ h होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बात खत्म। बहुत ही प्यारा डिस्कशन है, अगर सिर्फ रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार डिस्कशन। अब एक लास्ट बात आप लिख दीजिए, ये हो गया सारा असली एग्जाम ओरिएंटेड बात खत्म हो गई, एक लिख दीजिए आगे एडवांस डिस्कशन। थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है जो हाँ जेई वालों के हिसाब से काम का है, नीट के हिसाब से डेफिनेटली काम का नहीं है। नीट के हिसाब से आई एम वेरी श्योर कि ये बिल्कुल कोई काम की बात नहीं है। इंटरेस्टिंग तो सब कुछ होता है और समझ लेने के बाद तो सब में बहुत मजा आता है, पर इंटरेस्टिंग में और इंपॉर्टेंट में फर्क है, ऐसे ही टफ में और इंपॉर्टेंट में फर्क है। ये जरूरी नहीं है कि जो टफ है वो इंपॉर्टेंट है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट है। अलग ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और टीचरों को बहुत आइडिया होता है, 5 से 7-8 साल जिन्होंने पढ़ा लिया उनको पर्याप्त आइडिया होता है क्या एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल लगभग लगभग प्रिडिक्शन पेपर हम लोग सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिनको भी 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वर्टिकल सर्किल और ऑफ कोर्स ब्रैकेट में फिर से लिख दीजिए क्रिटिकल केस, वर्टिकल सर्किल और क्रिटिकल केस। इसमें तो खाली उसकी थ्योरी पढ़ाई है ना, उसका हल्का सा सवाल भी पढ़ा और बस बोल दीजिए कि द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट। स्ट्रिंग को कट कर देते हैं जब ऑब्जेक्ट अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। बस तो डिस्कस द पाथ फॉलो, ये पाथ क्या फॉलो करेगा। ये वर्टिकल सर्किल है, ये ग्राउंड है, मैं तो जर्नी का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको ही ग्राउंड मान लेता हूँ, मैं तो अपने ग्राउंड को यहाँ से उठा के कभी भी यहाँ रख सकता हूँ। जब ये यहाँ है तो इसमें एक वेलोसिटी है √gr और एक कुछ टेंशन, और स्ट्रिंग आपने काट ही दी, तो अब इसमें केवल पहले एक वेलोसिटी थी और एक फोर्स था, पहले इसमें एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और रेडियल फोर्स था। ऐसा आप बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड अ रेडियल फोर्स, इसमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और एक रेडियल फोर्स था। तो इट वाज परफॉर्मिंग M2D, ये 2-dimensional मोशन कर रहा था। एक M1D के लिए ये जिम्मेदार था, एक M1D के लिए ये जिम्मेदार था, ये M2D कर रहा था मोशन इन 2-dimensional यानी मोशन इन अ प्लेन। अब जब ये हमने खत्म कर दिया तो इसमें एक ही चीज बची, लिख दीजिए व्हेन द थ्रेड इज कट टेंशन बिकम जीरो। थ्रेड को जब कर देते हैं तो कट तो टेंशन जीरो हो जाती है, एंड इट हैज ओनली 1 वेलोसिटी इक्वल टू √gr एंटायरली हॉरिजॉन्टल। इसमें पूरी तरह एक वेलोसिटी हो जाती है, हाँ इसमें सॉरी एक mg भी है,
तो हाँ, अब इसमें अभी भी दो फोर्स, दो दो डायरेक्शन में मोशन होगा, रूट जी आर अभी भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसमें, और एक एम जी अभी भी एक वर्टिकल फोर्स है। अब खैर, जब ऑब्जेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है और वो ग्रेविटी की फील्ड में फेंक दिया गया है, तो आप जानते हैं द ऑब्जेक्ट विल नाउ बी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बस ऐसे ही लिख दीजिए, यही एनसीईआरटी ने पढ़ाया है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पत्थर है और आपने उसका धागा काट दिया तो वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो अब एक्स डायरेक्शन में आगे जाएगा और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा और उसका पाथ ऐसा बनेगा। अब एक्चुअली पाथ ये फॉलो करेगा, ये रिजल्टेंट पाथ है, ये रिजल्टेंट पाथ ये बन गया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बस और अगर मैं इसमें एडवांस चला जाऊं, इसकी बिल्कुल मैं रेंज की भी बात कर सकता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज होता है वेलोसिटी टू टाइम, रेंज होता है वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी तो जैसे रूट जी आर जहां ये रेडियस है, और जो टाइम है वो है अंडर रूट टू एच बाई जी, और जो हाइट है वो है यहां पर टू आर। इस तरह से कुछ किया जा सकता है, जो कि मैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं मानता, इसे आप छोड़ सकते हैं, इसकी परवाह ना करें। इस पे आप ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद जो इजी क्वेश्चंस दिखते होंगे वो भी आपसे ना बने। है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर ये एनसीईआरटी ने सिर्फ इसकी थियोरी बताई थी कि पाथ क्या होगा। एग्जाम में सिर्फ हद से हद वो पाथ पूछ सकता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप इसका धागा काट दोगे तो अब ये तो इसमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये ग्रेविटी के फील्ड में है। अब ग्रेविटी के फील्ड में छत पे से खड़े होकर पत्थर को आपने जैसे कि सामने फेंक दिया इस स्पीड से, इधर एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा और ग्रेविटी में वाई डायरेक्शन में भी ग्रेविटी के कारण मोशन होगा और रिजल्टेंट पाथ बनेगा पैराबोला। और अब पैराबोला के सारे फॉर्मूले, प्रोजेक्टाइल के सारे केस लग सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, और ये पूरे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है वो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से अंडर टू एच बाई जी होता है। तो ये टाइम है अंडर टू एच बाई जी, यहाँ हाइट है टू आर, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो टू आर। इस तरह से ये बातें की जा सकती हैं, पर डेफिनेटली ये नीट वाले स्टूडेंट्स इसे छोड़ ही दें और खाली इतना बस ध्यान रख लें, प्रोजेक्टाइल जहां आपने लिखा है बस उसे ही हाईलाइट कर लीजिए और केवल उसे ही पढ़ लीजिए, बाकी आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। नीट के स्टूडेंट हैं तो 2023 के लिए ये मेरी गारंटी है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। दैट इज ऑल फॉर नाउ, और ये पूरा का पूरा डिस्कशन भी समाप्त होता है। थैंक यू।